नमस्कार। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक सपना जरूर होगा कि लाइफ में आप अपने आप को सरकारी नौकरी करते हुए जरूर देखें। बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि उनके माता पिता उनको सरकारी नौकरी करते हुए देखें, और बहुत सारे लोग समाज को दिखाने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। चाहे आपका सपना इनमें से कोई भी हो, लेकिन अभी आपके पास मौका है। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल एक नॉर्मल BA होता है, MA होता है, ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल लाइन में नहीं है, उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी समय है, अभी विभाग ने जस्ट इसके बारे में सोचना शुरू किया है। यानी आपके पास अगर संबंधित क्वालिफिकेशन, यानी कि जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप खुद को सरकारी नौकरी करते हुए अगर देखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या 28,000 से भी ज़्यादा होने वाली है। आपके स्क्रीन पे एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट अखबार का ही कटिंग है, लेकिन अभी से आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप सच में खुद को सरकारी नौकरी करता हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। तो मध्य विद्यालय का मतलब आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि होता क्या है, 6th क्लास से 8th क्लास तक के टीचर कंप्यूटर साइंस जो पढ़ाएंगे। और इससे पहले जो भर्तियां निकाली गई हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित, वो क्लास 9 से 12 के लिए निकाली गई थी, ठीक है, यानी कि उच्चतर माध्यमिक के लिए। यहाँ पे सरकार का क्या प्लान है, अभी नियमावली भी नहीं बनी है। यहाँ पे आप देखिए, पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य के मध्य विद्यालयों में स्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में विभाग जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि प्रारंभ से ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है। वर्तमान में राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी कि कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक, कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। इसी तर्ज पर मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इसकी नियुक्ति नियमावली पूरी होने के बाद इनके पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद पद सृजन पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं। हालांकि मध्य विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के कितने पद सृजित किए जाएंगे, इस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी स्थायी पदों पर करने के सैद्धांतिक सहमति विभाग में बन रही है, और इनकी नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। तो 28,000 स्कूल है, तो इतना तो श्योर है कि हर एक स्कूल में एक शिक्षक जरूर यहाँ पे रखे जाएंगे, शायद दो भी रखे जा सकते हैं। तो बहुत बड़े अमाउंट पे ये भर्ती आने वाली है। अभी नियमावली नहीं बना है, तो क्या क्वालिफिकेशन इसका रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि अगर आपने अभी तक, मतलब अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उस चीज़ को पूरा करने में अभी से लग जाए। मैं तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं अभी से भी, कि आपके पास समय है या नहीं। अगर आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है, क्लास 6 to 8 की मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग से जो आपकी सैलरी रहेगी वो BPSC शिक्षक के नियम के अनुसार रहेगी। जो वर्तमान में आप BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 जिसका भी ज्वाइनिंग हुआ है BPSC के तहत, उसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की जो सैलरी है वो 28,000 रुपये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे को आप सैलरी मत समझिएगा, बेसिक पे के बाद आपका जो होता है इसके ऊपर आपका DA, यानी कि महंगाई भत्ता प्लस हाउस रेंट अलावेंस वगैरह, और जो भी भत्ता वगैरह होता है उस सारे को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपकी स्टार्टिंग से जो सैलरी होगी वो लगभग 49,000 रुपये आपको इन हैंड हर एक महीने टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो छोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, और सच में अगर आप सपना सच करना चाहते हैं, खुद का करें या फिर पेरेंट का करें, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। और बाकी अगर 9th to 10th की बात करें तो 55-56 हज़ार के आसपास उनकी सैलरी ऑलरेडी मिलती है। कन्फ्यूज़न कहाँ है, बहुत सारे लोग 9th-10th के लिए एलिजिबल होने के बावजूद भी कन्फ्यूज थे। सबसे ज़्यादा तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो दूसरे ब्रांच के हों, उनमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न देखने को मिला था। लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या कन्फ्यूज़न है और आपको अभी से किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये STET यानी कि पात्रता परीक्षा। शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में एक पात्रता परीक्षा होता है दो प्रकार का। एक होता है फ्रेंड्स आपको सेंट्रल, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है CTET, और एक होता है बिहार सरकार वाला जो STET के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और CTET का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको STET का जो एग्जामिनेशन है इसका पेपर 2
पास करना पड़ता था, उसके लिए क्वालिफिकेशन 9 से 12 के लिए जो थी वो बिल्कुल बदल सकती है, नियमावली बिल्कुल नया बनाया जाएगा, क्योंकि क्लास 6 से 8 तक के लिए अभी तक कंप्यूटर शिक्षक का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें बहुत सारे नए क्वालिफिकेशंस भी ऐड किए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, यानी कि आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आपको अभी से क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने कोई तकनीकी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन आप अभी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहे वो आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, यानी कि स्नातकोत्तर हैं, तो आपको PGDCA का एक कोर्स है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप इस चीज़ में मैंने इसमें से निकाल के यहाँ लिख दिया है कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने PGDCA कोर्स नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे PGDCA, ये मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, बाकी क्वालिफिकेशन वालों का भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आप BSc या BCA हैं कंप्यूटर साइंस से, BSc मतलब CS से, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस से अगर आप BSc हैं या फिर आप BCA हैं, बहुत सारे BCA वाले कैंडिडेट थे वो सोच रहे थे कि क्या हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो ये जो क्वालिफिकेशन अभी मैं बता रहा हूँ ये 9 to 12 के लिए भी था, तो 6 से 8 के लिए इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है उसको मैं अभी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये 9 से 12 वाले में क्या बताया गया था, अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस हैं या फिर BCA हैं, तो साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता था, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर आप BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या फिर BCA किए हुए हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता था किसी भी सब्जेक्ट से, तब आप 9 से 12 के लिए एलिजिबल होते थे कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे बदलाव क्या है, अब ये हो गया फ्रेंड 6 to 8 के लिए निकाला जाने वाला भर्ती है। तो अगर आप नॉर्मल BSc भी होंगे या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से होंगे या फिर BCA होंगे, तो बहुत ज़्यादा 90% चांस है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप PG के आसपास हैं, आपका PG कंप्लीट होने वाला है, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स MCA वालों का कन्फ्यूज़न था, MCA हैं आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MSc कंप्यूटर साइंस हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स BE और BTEC कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से संबंधित ब्रांच है आपका, यानी कि IT हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, एक ही बात है, यानी कि इंजीनियरिंग आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से, तभी भी आप एलिजिबल हैं इस बड़े पैमाने पे, यानी कि आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं 9 से 12 क्लास के कंप्यूटर शिक्षक के लिए, यानी कि बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, जिससे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, कॉरपोरेट जॉब को छोड़ के, प्राइवेट सेक्टर छोड़ के आप सरकारी में ध्यान देना चाहते हैं, तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अपडेट आएगी जेन्युइन अपडेट आएगी 100%, जैसा कि मैं अक्सर दिया करता हूँ, तो वो आप मिस कर जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो लाइक भी कर देंगे तो कम से कम आपके स्क्रीन पे हमारी वीडियोस का जो अपडेट होता है वो समय समय पे आता रहता है। इतना भी नहीं करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट आता है किसी भी जॉब से संबंधित, हम लोग बहुत जल्दी अपडेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले जो कैंडिडेट हैं वो STET का फॉर्म भरने के लिए तो एलिजिबल थे पहले से भी, अगर आप पॉलिटेक्निक हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप STET का फॉर्म भर सकते थे क्लास 9 से 12 के लिए भी, लेकिन BPSC ने उनको अलाउ नहीं किया टीचर बनने के लिए, जिस पे केस भी किया हुआ है बहुत सारे छात्रों ने जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। लेकिन अभी आपके पास मौका है, ये क्लास 6 to 8 का है, यानी कि जूनियर क्लास के लिए है, तो डायरेक्ट डिप्लोमा भी एलिजिबल होने का जो चांसेस है फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस वाला, 90% चांस है कि कंप्यूटर साइंस से जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिल सकता है, ठीक है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ अपडेट आता है या इंटरनल न्यूज हम लोगों के पास आती रहती है तो आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है फ्रेंड्स ऑप्शन की BE और BTEC किसी दूसरे ब्रांच से, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं, कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई भी ब्रांच से अगर आप BTEC हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की हुई है, तो आपको PGDCA का एक कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही वाला कोर्स
अगर आप कर लेते हैं अभी से, आपके पास टाइम है, पूरा मान के चलिए कि नियमावली बनाई जाएगी, पदों का सृजन होगा, इसमें समय लग जाएगा, यानी कि एक साल से ऊपर का भी समय लग सकता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अगर गवर्नमेंट बहुत फास्ट करती है तब जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी दोबारा से जब कंप्यूटर साइंस की भर्ती निकाली जाएगी, जैसा कि आपको पता है कि 9 से 12 में भी बार बार भर्तियां निकाली जा रही हैं, मौका बार बार मिल रहा है, तो आपके पास एक सेफ हैंड होगा। अगर आप दूसरे ब्रांच के भी कैंडिडेट हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे भविष्य में कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो आपके पास अगर आप बीटेक हैं किसी भी ब्रांच से, तो आप पीजीडीसीए का कोर्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है कि पीजीडीसीए का कोर्स हम लोग जेन्युइन करना है तो कहां से करें, ठीक है। तो पीजीडीसीए का फ्रेंड जो जेन्युइन कोर्स है, मैं आपको एक सोर्स बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे जो जेन्युइन, सबसे ज्यादा जेन्युइन सोर्स है जो आप घर बैठे कर सकते हैं पीजीडीसीए का कोर्स, वो है IGNOU, यानी कि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी। आपको पता है इसका हर एक सारा इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगा। सीधा आप इग्नू पीजीडीसीए गूगल पे सर्च करिएगा, पहला जो रिजल्ट आएगा जिसमें आपको एक साल का कंप्लीट क्या कोर्स है, कितना फी है, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, सभी कुछ बता दिया जाएगा। 21,600 रुपये आपकी फ़ी है, फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो 300 रुपये लगता है, इसका हर एक साल एडमिशन होता है। ये तो हो गया जेन्युइन सोर्स, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात करते हैं जो पीजीडीसीए का कोर्स कराती है, जो हो सकता है कि आपको बैक डेट में अगर सीटें खाली हों उनके पास, तो ये जुलाई से शुरू होता था, अगर इसकी बात करें तो ये मतलब अगले बार फिर मार्च या अप्रैल मई या जून के टाइम पे स्टार्ट होगा ये फिर से दोबारा, क्योंकि इस बार का जो डेट था वो निकल चुका है, अभी से आप इग्नू से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपके कॉन्टैक्ट में, या फिर नहीं भी है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बात करें जो कि पीजीडीसीए का कोर्स कराती होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी है जो पीजीडीसीए का कोर्स कराती है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमें लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, तब जाके मैं बेहतरीन तरीके से आपको ये भी बता पाऊंगा कि हाँ कहीं से कोई बैक डेट से अगर आप पीजीडीसीए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी कराती है ना कराती है, और कराती है तो कितना उसमें जेन्युइन होने का चांस है, क्या फर्जीवाड़ा होता है, वो सारी चीज़ें जैसे कि मैं हमेशा रिवील करता रहता हूँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो जेन्युइन सोर्स है, इग्नू से आप कर सकते हैं आसानी से। मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है कि अगर आप इतने क्वालिफाई हैं एटलीस्ट, तो पीजीडीसीए किसको किसको करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आंख मूंद के आपको पीजीडीसीए कर लेना चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, यानी कि दूसरे ब्रांच वाले, कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी दूसरे ब्रांच से संबंधित इंजीनियरिंग का कोर्स आपने कर रखा है, तब भी आपको पीजीडीसीए का कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि समय समय पे आपको यहाँ पे टीचर की वैकेंसी देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बीटेक के बाद बीएड नहीं करना चाहते हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, 2 साल का टाइम लगता है और वो मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री भूगोल ये सब सब्जेक्ट के टीचर नहीं बनना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इज ए टेक्निकल वन, आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके मतलब रिलेटेबल है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कंप्यूटर साइंस से जरूर रिलेट करते होंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार रहा, कमेंट रहा, लाइक सब्सक्राइब अच्छा रहेगा, तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि आप कहां से जेन्युइन तरीके से पीजीडीसीए कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।